रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। ये भाई बहन का सबसे खास त्योहार है जिसे हर साल सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन को राखी भी कहा जाता है, लेकिन इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रकाल रहने के कारण लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि आखिर राखी कब और किस समय में बांधना शुभ रहेगा, क्योंकि 30 अगस्त को सुबह से लेकर रात तक भद्रा का साया रहने वाला है। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसी कंफ्यूजन है तो इस खबर में राखी को लेकर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होगी। कब है रक्षाबंधन? रक्षाबंधन 30 को है या 31 को, इसे लेकर लोगों के बीच मतभेद है, लेकिन ज्योतिष और पंचांग के अनुसार श्रावणी या सावन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त सुबह 10:58 से हो रही है और इसका समापन 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर होगा। वहीं 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ ही सुबह 10:58 से भद्राकाल की भी शुरुआत हो रही है, जो कि रात 9:02 तक रहेगा। शास्त्रों में भद्राकाल में राखी बांधना अशुभ माना गया है। वैसे राखी बांधने के लिए दोपहर का समय उपयुक्त होता है, लेकिन साल 30 और 31 दोनों में किसी भी दिन दोपहर में राखी बांधने के लिए कोई भी मुहूर्त नहीं, इसलिए आप 30 अगस्त को भद्राकाल समाप्त होने के बाद रात 9:03 से 31 अगस्त सुबह 7:05 तक राखी बांध सकते हैं। राखी बांधने के लिए ये समय उपयुक्त है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 30 अगस्त रात 9:34 से 10:58 और उपयुक्त समय 30 अगस्त रात 9:03 से 31 अगस्त सुबह 7:05 तक है। भद्रकाल में राखी क्यों नहीं बांधते हैं? पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन सुपर्णखा ने अपने भाई को भद्रकाल में ही राखी बांधी थी, जिस कारण ही रावण का सर्वनाश हो गया। इसी मान्यता के आधार पर भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रकाल में राखी बांधने से भाई की उम्र कम होती है और भाई पर विपदा आती है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पूजा विधि। राखी बांधने से पहले तक बहन और भाई दोनों को व्रत रखना चाहिए। राखी बांधने की थाली में कुमकुम, राखी, रोली, अक्षत, मिठाई और नारियल जरूर रखें। सबसे पहले भाई के माथे पर तिलक लगाएं, इसके बाद भाई की आरती उतारें। अब भाई के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधे और भाई का मुंह मीठा कराएं। राखी बांधते समय ये नबद्दो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचलः मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर बहन बड़ी हो तो भाई उसके पैर छुए और अगर भाई बड़ा हो तो बहन को पैर छूना चाहिए। कौन सी राखी है उपयुक्त? आजकल मार्केट में कई तरह की राखियां आती हैं, लेकिन राखी खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। हमेशा रेशम के धागे या सूती धागे वाली राखी को ही सर्वोत्तम माना जाता है। इसके बाद सोने और चांदी से बनी राखियों को अच्छा माना जाता है, लेकिन प्लास्टिक आदि से बनी राखी भाई को ना बांधे और ना ही अशुभ चिन्हों वाली राखी भाई को बांधनी चाहिए।